हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिमाप के बारे में। परिमाप का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र की भुजाओं का योग। अगर हम किसी भी आकार की बात करें, जैसे वर्गाकार, वर्ग एक आकृति जिसकी चार भुजाएं हैं और चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। इस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। अगर एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, इसे हम आयत कहते हैं। अगर हमें वर्ग या आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें इसकी चारों भुजाओं का माप चाहिए। जब हम उन चारों को जोड़ते हैं तो हमें उस क्षेत्र का परिमाप मिलता है। जैसे हमारे पास है वर्ग, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। माना इस वर्ग की सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो इसका परिमाप 5 + 5 + 5 + 5, 4 भुजाएं चारों 5 सेंटीमीटर लंबी, तो हम 4 बार 5 को जोड़ेंगे जिससे हमें मिलेगा 20। क्योंकि भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में दी है, इसीलिए परिमाप भी हमें मिलेगा सेंटीमीटर में। इस तरह जब भी हम किसी क्षेत्र की सारी भुजाओं का योग ज्ञात करते हैं, उसे हम कहते हैं परिमाप। जब हम आयत की बात करते हैं, यहां भी हम परिमाप उसी विधि से ज्ञात करेंगे। हमारे पास कुछ सूत्र हैं जिन्हें लगाकर हम सीधे इनके परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम 4 बार एक ही भुजा की लंबाई को जोड़ रहे हैं, तो सीधे अगर हम इसे ज्ञात करें, तो जब हम भुजा की लंबाई में 4 का गुणा करें तो हमें मिलता है वर्ग का परिमाप। जब हम आयत का परिमाप निकालें, क्योंकि आयत की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर हम माने ये भुजा 6 इकाई लंबी है, तो ये भुजा भी 6 इकाई लंबी होगी। अगर इसकी चौड़ाई 3 इकाई लंबी है, तो इसके सामने वाली भुजा भी 3 इकाई होगी। इस तरह जब हम इसका परिमाप निकालेंगे, तो हमें करना होगा 6 × 3 × 6 × 3। इसका मतलब हम यहाँ 2 बार 6 और 3 को जोड़ रहे हैं। 6 है इसकी लंबाई और 3 है इसकी चौड़ाई। अगर हम इसके लिए सूत्र लिखें, तो वो होगा 8। जब हम लंबाई और चौड़ाई के योग को 2 गुना कर दें, तो हमें मिलेगा आयत का परिमाप। इसी तरह अगर हमें किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो वहां भी इसकी परिभाषा के अनुसार परिमाप अर्थात सारी भुजाओं का योग। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जब हम 3 भुजाओं को जोड़ दें, तो हमें मिलेगा त्रिभुज का परिमाप। अब हम देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। कई बार आपको प्रश्न में सीधे लिखा होगा कि ये इस भुजा की लंबाई है, आप इसका परिमाप निकालें। जब हम इसकी क्वेश्चन देखें, कई बार सीधे नहीं दिया होता है कि इसका परिमाप निकालना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रश्न जो है वो परिमाप का है। जैसे मेरे पास ये एक वर्गाकार शीट का टुकड़ा है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी
सारी भुजाओं पे या इसके किनारों पे एक कलरफुल टेप चिपकाइए, एक रंगीन कागज चिपकाइए। तो आप उस रंगीन टेप को यहाँ इसकी बॉर्डर पे चिपकाएंगी, इसकी सारे किनारों पे। इसके लिए आपको कितनी लंबी टेप की जरूरत है ये पता करने के लिए आप स्केल की सहायता से इसकी सारी भुजाओं की लंबाई नापेंगे। जब इन चारों की लंबाई नापकर आप उन चारों लंबाइयों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगी इसकी भुजाओं की कुल लंबाई, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं परिमाप। इसका मतलब जब भी हमें किसी भी आकार की सिर्फ किनारों से मतलब है, जब हम कोई काम सिर्फ उसके किनारों पर कर रहे हैं, तो उस प्रश्न में हमें ढूंढना है उस आकार या उस क्षेत्र का परिमाप। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे किसी प्रश्न में अगर आपसे पूछा है एक वर्गाकार खेत है, उस खेत के चारों ओर बाड़ लगानी है, तो कितनी लंबी बाड़ की जरूरत है। तो बाड़ की लंबाई, बाड़ चूंकि किनारे पे लगाई जाती है इसलिए आप उस खेत का परिमाप निकालेंगे, उतनी ही लंबी जरूरत होगी आपको बाड़ की। स्क्वायर शीट, एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा, इसको आपको किनारी से सजाना है, वहां भी आप निकालेंगे परिमाप, क्योंकि यहां भी पूछा जा रहा है इसकी किनारी के बारे में। तो जहां भी हमें किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री, किनारी या सिर्फ उसकी भुजाओं पे अगर जो काम हो रहा है, उस स्थिति में हम उस आकार का परिमाप ज्ञात करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को परिमाप अच्छे से समझ में आया। हिंदी में वीडियो स्पेशल चॉइस पे बन रहे हैं। हमें कई सारे कमेंट्स मिले हैं कि हमें वीडियोस हिंदी में भी बनाने चाहिए, इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम ये सारी चीजें आपको हिंदी में अच्छी तरीके से समझा पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पढ़ाई के फंडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।